सर एक बात बताइए, मैंने आपके कई सारे वीडियोस और पोस्टर और फेसबुक को देखता हूँ, तो उसमें देखा है कि आप घर घर जाके संविधान की बात करते हैं और बहुत सारे मिशनरी जगहों पे आप संविधान की बात करते हैं। तो ये संविधान जो है, आप एक बहुजन समाज को रिप्रेजेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो संविधान है, क्या इस पर सिर्फ बहुजन समाज का ही अधिकार है या सर्व जन का अधिकार है, वो बताएं जरा। भारतीय संविधान जो है, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जिससे हर आदमी, हर व्यक्ति विशेष या सबसे बड़ा जो संविधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ इस देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन राष्ट्रपति जो है जो गवर्न होता है, तो ये तो हमारा नहीं, पूरे देश के हर नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ की सरकार और व्यवस्थाओं का ये जो है एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो यहाँ के जनमानस को संविधान से अवगत कराएं और संविधान के उद्देश्य से सबके जो है अधिकारों को सुरक्षित करते हुए यहाँ को सबकी भागीदारी हिस्सेदारी सुरक्षित की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए क्या होगा, फिर वो जो लोग जो वंचित हैं, जो इस चीज से कहीं ना कहीं बाहर हैं, इससे कहीं ना कहीं अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, उनका इस सिस्टम के अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास टूट जाता है। विश्वास टूट जाता है तो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नजर में वो लोग विरोधी या विद्रोही बन जाते हैं। वो विद्रोही विरोधी नहीं है, वो विद्रोही विरोधी जो है ना व्यवस्था के अनुसार, उनको समय के अनुसार या हालात के अनुसार बनाया गया है। तो अगर ये सभी लोग इस देश के अंदर हर नागरिक को अगर देश का लॉ ऑफ लैंड, इस देश का कानून जो ग्रंथ है वो पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि सबके अंदर देश के प्रति भावना पैदा हो, सबके अंदर भाईचारा पैदा हो और देश को महान बना के अपने अधिकार बचाने के लिए एक ऐसी क्रांति का उत्पादन हो जहां पे सबका विकास हो और सबका साथ हो।